मतलब ये सारी चीजें ऐसे चल रही थी और वो लाइन यूं करके निकली थी. शिट मैन, ये क्या था? मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये चीज सुनूंगी. अब ऐसा लग रहा है कि डिवाइन का रिप्लाई भी आने वाला है. वो बंदा अब चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि हो रही इन दोनों के बीच में फाइट है, लोग मुझे भी उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं. क्यों? आई एम सो सॉरी कि मुझे ऐसे सब वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं. बट हे एवरीवन, दिस इज शिखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो फाइनली वो वीडियो आ गया है जिसका हम सबको वेट था. एमिवे ने रिप्लाई कर दिया है डिवाइन को, और डिवाइन ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुका था. सबको लग रहा था कि एमिवे रिप्लाई नहीं करेगा, और मुझे भी कमेंट सेक्शन में यही सुनने को आ रहा था कि एमिवे रिप्लाई नहीं करेगा, इस बार वो कुछ भी नहीं करेगा. बट पता था ये चीज कि ऐसा हो नहीं सकता कि एमिवे के स्टेटस के ऊपर बात करे, उसके ऊपर डिस करके उसको कुछ भी बोले और वो चुप बैठे. Not possible. तो एमिवे ने कल रात को 12 बजने से 5 मिनट पहले वीडियो निकाला है गली का कुत्ता. So, ये है डिवाइन के लिए रिप्लाई. एंड हाँ, अभी कुछ भी बात करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि मेरा सिर्फ और सिर्फ यही चैनल है, ठीक है. एक सैसी गर्ल करके पहले एक चैनल था जिसको मैं अब यूज नहीं करती हूँ, और उसके अलावा आप कहीं पे भी वीडियो देखो तो प्लीज वो वीडियो मेरे नहीं है. लोग क्या कर रहे हैं, मतलब लोग प्रो लेवल पे खेल रहे हैं. मतलब मैं आज मॉर्निंग से देख रही हूँ, कई ऐसे चैनल हैं जो कि क्या करते हैं कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पहले के वीडियोस आप उठा के री अपलोड कर रहे हो या फिर जो मर्जी, बट अगर कोई वीडियो जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन नहीं दिया है, आप पहले की वीडियो उठा उसके बाद में आप एडिटिंग करते हो और उसके अंदर वो वीडियो डालते हो जो एकदम लेटेस्ट है जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन दिया ही नहीं, तो प्लीज ये चीज मत करो. डेफिनेटली मतलब ये चीज किसको अच्छी लगेगी? जो मैंने अपलोड कर दी उनको आप री अपलोड करो चाहे से, इट्स ऑल ओके. बट ये सब चीजें नहीं, प्लीज. तो प्लीज जस्ट ग्रो अप, ओके. अब डाल रही हूँ मैं ये वीडियो, ठीक है. तो मेरे पास बहुत सारे डीएम आ चुके हैं. ऑलराइट, तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे लास्ट जो दो वीडियोज है उसके अंदर डिवाइन ने एमिवे को बंदर करके कहा था, तो ऐसा लग रहा है कि अब वो बंदर आ गया है वॉट लगाने के लिए. अगर आप इसका थंबनेल भी देखोगे तो भी ऐसा लगेगा कि थंबनेल के अंदर इसने बहुत गंदा वाला रोस्ट कर दिया, और जो डॉग है उसके ऊपर भी डिवाइन करके लिखा है. तो थंबनेल के अंदर ही उसने अपना जवाब दे दिया, और जो ये बीफ गेम है ना, ये बहुत गंदा होने वाला है आगे, बहुत खतरनाक. लेट्स सी वीडियो कितना हार्ड है, एमिवे ने किस तरह से डिवाइन को रिप्लाई किया है, क्योंकि इसका जो थंबनेल था उसी से काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी थी. बहुत सब एमिवे और डिवाइन के अंदर जो ये बैटल हुई है ना, ये अब अलग ही लेवल पे जाने वाली है. सो लेट्स सी ये वीडियो में क्या होने वाला है. गॉड, सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट अ लाइक बटन ऑन माय टुडेज़ वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल प्लस नोटिफिकेशन बेल भी, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी मेरा वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. सो लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो. ऑलराइट, हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी, और लोग डरेंगे तुमसे. डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है. मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे. का दिया गली के कुत्ते, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं. मत कर चुस्के खत्म कर, कोई तो पिलरे ला दम कर, भाग 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 जूते गिरी जरा कम कर, माइक पे गा साला मर कर. मैं देता वन टेक में लेबल के वर्कर, सोना मैंने छिपके बेटा गली का ये कुत्ता मुझसे डर कर. पैसे मत गिना मेरे जिंदगी में बरकत, नाम नहीं लिया मुझे मालूम तेरा मकसद. दीप के मैं बाप सबका टिका तेरा मस्तक, दोस्त के सलून में तेरी दिया मैंने दस्तक. फटी पड़ी थी तेरी आंख, किसने टसाया था, ऐसा लग रहा था तू किससे तो खाया था. फिर से दिखाएगा तू नकली पटेली तो फिर से तू खाएगा. बंटा के बातों से सोया नहीं कितने, तो रातों से लग रहा है बातों से तेरे का यूज का, इसलिए तूने किया डिस मुझे पहले. एमिवे ना फेले, ये तेरी सोच है बेकेले, पेलेंगे सबको अकेले. मैं लूंगा तेरी तू मेरी, रखेले रखे डकेले. हेडमास्टर आया तो प्रिंसिपल फेले, तेरी मैं लूंगा मेरे पास तो सांडे का तेल है. डिस कर रहा बच काला ये मेरा खेल है. मेरे पास तड़ी पार करे सबको काला पानी जेले, तेरे से कितने रैपर यूज के लिए डिस करे डेले. ऑर्गेनिक बंदा मैं तू बेटा खेले, तू पाक बोलता खुद को मशीनगन केले. आवाज में तेरे वजन नहीं है, ये रात के मैं बच खाने भजन नहीं है. हां ऐसा क्यों आता है पसंद नहीं है, अब उन ऊंचाई पे खड़े ले घमंड नहीं है. बातों ही बातों में कर देते दंगे, तेरे से रैपर को कर देते नंगे. क्या ले क्या रे कर दे पंगे, तू फैन मेरे गाने का गुंडे पंखे. सभी वाला बंदर हनुमान बन के मैं मंगे बेटा मैं क्या करूं, ये गली के कुत्ते को क्या शॉट. सिर्फ गली गली कम अकल के, डिवाइन मेरे बुल्ली के शक्ल के. रैप गेम में बेटा मैं शाहरुख खान, वफादार कुत्ता नहीं है तू भूल गया. गेंगिस खान जिसने सब सिखाया वो सब तू छुपाया, असली कुत्त को बोले चूस मेरा पाया विद नल्ला. रैप गेम का दल्ला, चिल्ला के मत दिखा गल्ला. तेरे से फोड़ लूंगा बिल्ला और हार्ड में, फिर से नहीं लगना तू नाद में. खोलूंगा आप सारे कांड में, तेरे देखा नहीं तेरे ऐसा रांड में. हर जगह देरी है, शो सस्ते में ले रही है, तू मार्केट डुबा रही है कुतिया. मेरी एक्स नहीं मिली तुझे, घर बैठ के मार बेटा मुठिया. शिट, बचकाने
उसको देख के मैं रैप चालू किया, बोलता है बचका ने उसका चैनल खुद मेरे बाद चालू हुए ला क्या। और फिर 300 शोज करके पटेली मान लिया, बंटा है 29 के उम्र में, तू की 30 में, जो भी अपने वो पता नहीं, लेकिन क्या है तेरे उम्र में आऊंगा फिर बात करूंगा, और तेरे ऐसा सस्ते शोज नहीं करता बंटा है। और रिसेंटली तेरा खबर आया था तेरे 3 शो का रेट अपना 1 शो का रेट है क्या, रनिंग ले फटफट। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है, ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टोर बनने की जरूरत नहीं। मैं इंडिपेंडेंट, मेरे गाने की कॉपीराइट मेरे पास तेरे पास नहीं है, मेरे गली में बहुत बड़ा फ्रॉड है, बेच देगा गली है, उंगली में पब्लिक ने बजा डाले, सच का साथ देते हैं सच्चे लोग, मेरा कुछ नहीं उखाड़ेंगे तेरे ऐसे बच्चे लोग, बाकी आर्टिस्ट से ले रेला झोल है कौन, और नाच से गली बुलवाया बस इतना बड़ा तेरा गोल है, तू बेटा चोर है चलते रहे, तू बेटा चोर है चलते रहे, तू बेटा चोर है, क्रेडिट नहीं देता है साथ वालों को, कब आया देखने को मैं मारा साथ वालों को, आके मेरा बेटा आने वाले लोग, क्वालिटी साउंड वाले लोग, क्वालिटी साउंड वाले लोग, गुल्फा करो मेरा बंटा है, क्वालिटी रख के भी कुछ नहीं उखाड़े तुम लोग, समझा क्या, लश्करा है नाश का तू नाम लेके, उसको नहीं पता तू भागेला ग्लास लेके, दूसरे का चूसने का कोई से सीखे, डीवल इसके आधे गाने लिखे, वो सब तो ठीक है, गले भर के सच में मैं जाटने आता था, तू दारू पी के खोटा ज्ञान बांटने आता था, मैं जाटने आता था, तू पूछा मुझे बंटा है आओगे क्या, अब गली के कुत्ते को भूख लगी फिल्म की पेडिग्री दूंगा मैं खाओगे क्या, तू नरक का गेटो में जन्नत का दरवाजा, एंटो फिल्म में बना जन्नत का दरवाजा मेरा, तू देख बे तेरा अंधेरी में तू फैलाया अंधेरा, सच बात है तेरा कि तेरे में मेरे में फर्क है, एमवी में बंटा है तो बहुत ज्यादा कड़क है, गाने मेरे हर एक गली और सड़क पे देखो कोई मिल रही नहीं, चेहरे पे ठरक है बंजर जमीन पे हम खड़े ले मारा दे, गलत है जो किया तू गलत है, गाने तेरे सुन के हो रहा सर दर्द है, तेको आगे बढ़ने की अब गरज है, अकेला फैल रहा सब लोग को दर्द है, गरीबी के अलावा बहुत कुछ है गली में, आगे कोई बढ़ रहा तो तेरी क्यों जली बे, इतने साल बाद आया डिस करने, समझ में आया क्या छोड़ा था सर्दी में 2018 में, ये सब वाज बैक 100 मिलियन बार हिप हॉप का ट्रैक, गाने में बोलता है सब कुछ है फैक्ट, बंटाई से बैठ गया सामान कर बैक टू द बैक, कर बैक टू बैक मुझे पिस, 1.5 साल लगे तुझे लिखने को डिस, तब जाकर ट्रेंडिंग में आई है मिस, काम तेरे पास नहीं है 25। कौन शॉट दे रहा भाई तेरे को भी जैसे, हाँ मेरे गली वाले कुत्ते, हाँ चाट मेरे जूते, शिट मैन ये क्या था, ओह गॉड दिस इज टोटली अनबिलीवेबल, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये चीज सुनूंगी। डिवाइन का हम सबको पता है कि स्टाइल वो हाँ 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 वाला जो स्टाइल है उसकी भी बहुत गंदी वाली, बहुत गंदी वॉट लगाई है, ऐसे बोलते ना कि प्यार से किसी के थप्पड़ मार देना, भाई ये बंदा नोच खाया उसको। आई एम सो सॉरी कि मुझे ऐसे सब वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं, बट ये क्या था, मैंने इससे पहले इस तरीके का एमवीपी का कभी कोई डिस नहीं सुना, क्योंकि एक टाइम था जब रफ्तार और एमवीपी के बीच में बैटल हुई थी, उस टाइम पे इतना मतलब एक बोलते ना कि एक लेवल पे सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, बट यहाँ पे ये फाइट इतनी गंदी हो चुकी है ना, मतलब जो एकदम प्रॉपर जो आई थिंक वो मुंबई है, जो लैंग्वेज है, जो उसकी जो फाइट है और जो वर्ड्स यूज करते हैं गुस्से के अंदर वहां के लोग, वो प्रॉपर इसके अंदर यूज करा है। सी एक वीडियो आया डिवाइन का एमवी चुप, दूसरा वीडियो आया उसके अंदर डिवाइन ने और भी ज्यादा बोला, सी अगर किसी के स्टेटस से लेकर उसकी पर्सनल लाइफ वो गर्लफ्रेंड वाली चीज भी उठाई इसके अंदर, वो सारी चीजें लेकर डिवाइन ने एमवी को डिस किया, तो एमवीपी आई डोंट थिंक कि इसके बाद में कोई नॉर्मल इंसान होगा, आप होंगे मैं होंगी, कोई चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि एक पर्सनल लेवल तक जाना और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बोली है डिवाइन ने, एमवीपी नहीं चुप बैठ सकता था। अनडाउटेडली ये दोनों रैपर बहुत अच्छे हैं, बट एक चीज अगर मैं मेरी बात अगर करूँ तो मुझे डिवाइन से ज्यादा एमवीपी की चीजें जो वर्ड्स है ना वो क्लियरली सुनाई देते हैं, मुझे थोड़ा ध्यान से डिवाइन को सुनना पड़ता है तब मुझे समझ में आता है कि वो एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। इट्स नॉट लाइक कि बायस हूँ, इट्स लाइक कि मुझे क्या चीज ज्यादा, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, एंड मैं यही बोलूंगी कि अगर आप कॉमेंट भी करो एज ए बायस पर्सन की तरह मत करना प्लीज, क्योंकि हो रही इन दोनों के बीच में फाइट है, लोग मुझे भी उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं क्यों, और अगर कोई आपको ब्लेम करेगा तो इसके साथ में क्यों है, तू जानता नहीं है, ये है वो है, कैसा लगेगा आपको जो इस वीडियो से रिलेटेड है और वही वीडियो के आसपास वाली चीज है, मैं उसी चीज के लिए बोलूंगी ना। अब ऐसा लग रहा है कि डिवाइन का रिप्लाई भी आने वाला है, वो बंदा अब चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि एक जो वीडियो आया था हार्ड करके एमवीपी का, उसके बाद में उसने दो डिस निकाल दिए थे एमवीपी के, जो एमवीपी ने मचाया है, जो ये डिस किया है ना,
डेफिनेटली कोई भी चुप नहीं रह सकता, डिवाइन डेफिनेटली इसका रिप्लाई, मतलब मुझे लग रहा बहुत जल्दी आने वाला है इस चीज का, और सबको लग रहा था कि एमिवे रिप्लाई नहीं करेगा, बट एमिवे जिस तरह से पूरी फॉर्म के अंदर इस फील्ड में उतरा है ना, बंदा रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे जो रफ्तार और एमिवे के बीच में जो बैटल हुआ था उससे बहुत ही अलग लेवल पे पहुंचने वाला है ये बैटल, हर कोई इसके बारे में बात करने वाला है। एमिवे को बहुत टाइम से चाबी वाला बंदर, ये बंदर वो बंदर, हर तरह से बंदर 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 बोलकर काफी ज्यादा टीज कर दिया था, बट ये जो लाइन आई थी ना वो हनुमान जी वाली, ओ गॉड, खतरनाक सीरियसली, मतलब ये सारी चीजें ऐसे चल रही थी और वो लाइन यूं करके निकली थी, डैम मैन क्या था वो। क्योंकि जो रॉनेस है, जो एक वो जो एंगर है ना एमिवे के अंदर, वो अलग ही लेवल का है, जो एनर्जी लेवल, ओह माय गॉड, लाइक ही इज क्रेजी जब वो डिस्क के ऊपर आता है। पहले ऐसे ट्रेंड चला था कि जितने भी पंजाबी सॉन्ग्स थे वो सब बॉलीवुड के अंदर चल रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि ये लेवल का जो रैपिंग है ना ये भी बॉलीवुड में जाने वाला है, ट्रेंड पे चलने वाली ये चीज, पीपल आर क्रेजी फॉर दैट। तो डेफिनेटली ये वीडियो बड़ा ही खतरनाक था और मैं क्या ही बोलूँ इसके लिए, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर डिवाइन कि इसका रिप्लाई कब आने वाला है और क्या किस लेवल पे आने वाला है, लेट्स सी। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, हाउ अबाउट माई रिव्यू, अगर मुझसे कोई गलती हुई थी तो प्लीज़ थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में, प्लीज़ कुछ भी गलत करके या गलत लैंग्वेज में डेफिनेटली अगर बोलोगे तो कोई मतलब नहीं निकले, तो प्लीज़ थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव वे में, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे लाइक व्यूवर्स देख इतने इंटेलिजेंट हैं कि मतलब उनका बोलने का वे मुझे पता पड़ जाएगा कि उनको बुरी लगी मेरी ये वाली चीज़, बट वो इतने अच्छे से बोलते हैं ना कि मतलब मुझे खुद को अच्छा लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ ठीक करूँ। तो ये चीज़, ये लेवल, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि किसी का कंस्ट्रक्टिव कमेंट आया जो कि कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। So I really love these kind of viewers. So yeah, that's it. Or if you still not subscribe my channel, so just go and subscribe my channel right now. Aur agar notification bell nahi click kiya hai to please abhi jaake click kar lo, kyunki I don't know kya problem ho rahi hai, no idea. So please also click kar lena taki time pe aapke paas mein video aa jaye. So yeah, that's it for today and I'll meet you in my next video. Take care guys. Bye bye.